दोस्तों मनोज ने अपने मेन चैनल पे पीयूष जोशी के गेमिंग से रिलेटेड एक वीडियो को अपलोड किया था, जिसको कुछ ही देर बाद इन्होंने डिलीट कर दिया। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है, सब इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जो सबसे पहले सबसे बड़ा कारण है वो है कंट्रोवर्सी। आपको तो पता ही है कि अभी कुछ दिनों पहले मनोज दे और सौरभ जोशी के बीच एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसको लेकर मनोज दे ने एक वीडियो बनाया था और वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, लोगों तक ये वीडियो पहुंची थी और बहुत लोगों ने इस पे वीडियोस भी बनाया था, जिससे सौरभ जोशी को बहुत ज्यादा हेट मिली थी। तो एक तो सबसे बड़ा ये कारण है जिसकी वजह से मनोज ने अपने वीडियो को डिलीट किया, ताकि आगे चल के कोई और इसके ऊपर कंट्रोवर्सी वीडियोस ना बना सके और गलत चीज को स्प्रेड ना कर सके। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है फेम। अभी तो आप मनोज दे को जानती होगी कि उनके चैनल पे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो लोग मनोज दे के वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं कि आप सौरभ जोशी के थ्रू अपना फेम को बढ़ाना चाहते हो, अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाना। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि मनोज दे खुद ही अपने दम पे इतने आगे बढ़े हैं और 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर उन्होंने कंप्लीट किया है। तो ये एक दूसरा कारण हो सकता है जिनके वजह से वो अपने वीडियो को उन्होंने डिलीट किया होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि उन्हीं के वीडियोस को लेके उन्हीं के ऊपर एक वीडियो बना देना। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोज दे और सौरभ जोशी के कंट्रोवर्सी को लेके कितने लोगों ने उनके ऊपर वीडियोस बनाया और काफी गलत गलत बात भी बोले, तो मनोज दे अब ये नहीं चाहते कि इस वीडियो से भी लोग उनके ऊपर कंट्रोवर्सियल वीडियो बनाए और बात को आगे बढ़ाए, जिसके वजह से वो वीडियो को डिलीट कर चुके हैं। तो ये 3 कारण हैं जिनके वजह से वो वीडियो डिलीट कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, मनोज दे का वीडियो डिलीट करना सही है या गलत है, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।